नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका माथुर और आप देख रहे हैं सेहतनामा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से हमें कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर आप स्वस्थ और पौष्टिक चीजों का सेवन करते हैं तो आसानी से इन तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि हम सभी को ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जो विटामिन मिनरल्स के साथ अन्य आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता हो। इनमें सबसे जरूरी होता है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हड्डियों को स्वस्थ रखने के साथ मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करता है। पर क्या आप जानते हैं इसकी कमी आप में कई गंभीर रोगों के खतरे को बढ़ा सकती है। विटामिन डी से कई रोग हो सकते हैं। विटामिन डी हमारी हड्डी और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत आवश्यक है। जानकारी के अनुसार जिन लोगों में विटामिन डी की कमी की समस्या होती है उनमें हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ा देती है। बच्चों में विटामिन डी की कमी रिकेट्स रोग का कारण बन सकती है। रिकेट्स एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें हड्डियों की बनावट और शारीरिक संरचना पर असर पड़ता है। इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं ने पाया है कि इस विटामिन की कमी की स्थिति आपके हार्ट के लिए भी ठीक नहीं है। कुछ शोध इस बात की तरफ इशारा भी करते हैं कि विटामिन डी की कमी न सिर्फ आप में कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे को बढ़ाने वाली समस्या है, साथ ही इसके कारण कैंसर के जोखिम के बढ़ने का भी खतरा हो सकता है। विटामिन डी की कमी को विशेष रूप से स्तन कैंसर, रक्त ऑफसेजियस और गैस्ट्रिक कैंसर के जोखिम के कारक के रूप में देखा गया है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि विटामिन डी का स्तर कम होना आपके हृदय स्वास्थ्य के लिए समस्याएं बढ़ा सकता है। शोध से पता चलता है कि क्रॉनिक हार्ट फेलियर वाले ज्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी देखी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि आहार में इस विटामिन की मात्रा को बढ़ाकर आप हृदय की सेहत में सुधार कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर समस्याएं तेजी से बढ़ती जोखिम है जिसको लेकर सभी को अलर्ट रहना चाहिए। अब आपको बताते हैं कैसे पता करें कि विटामिन डी की कमी हो गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि सभी लोगों को आहार के माध्यम से विटामिन की मात्रा पर ध्यान देना रहना चाहिए। कुछ प्रकार की स्थिति इस बात का संकेत हो सकती है आप में विटामिन डी का स्तर कम है। हड्डी में दर्द, अक्सर थकान रहना, मांसपेशियों में मरोड़ और कमजोरी के साथ हड्डियों में फ्रैक्चर होने और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थितियां इस बात का संकेत मानी जाती है कि आप में इस विटामिन की कमी हो गई है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।